गाइस व्हाट्सअप, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम, आप देख रहे हैं मोबाइल एक्सप्रेस। तो दोस्तों आज हम करेंगे अनबॉक्सिंग शाओमी की रेडमी नोट 7 प्रो की। दोस्तों आप सोच रहे होगी यार रेडमी नोट 8 प्रो तो मार्केट में आने वाला है, 7 प्रो की अनबॉक्सिंग क्यों, पागल है ये? पर दोस्तों नहीं, मुझे ये फ़ोन काफ़ी अच्छी डील मिल रहा था तो कि जो कि इस प्राइस पॉइंट पर अच्छा ऑप्शन है। तो दोस्तों करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं इसकी फर्स्ट लुक। वैसे आपने सबकी अनबॉक्सिंग देख ली होगी अब तक, तो तब तक फ़ोन बंद भी होने वाला है ये। तो दोस्तों खोलते हैं बॉक्स को। टन टन ने ने ने, ये फ़ोन मैंने ऑलरेडी ओपन कर लिया था, दो तीन दिन यूज़ करा, उसके बाद वापस से अनरैप, वापस से पैक करा। इसमें आपको पहले मिलता है कि ये जो कि डॉक्यूमेंटेशन है और ये कवर वगैरह है फ़ोन का जो कि TPU है, नॉर्मल क्वालिटी। और सिम इजेक्टर टूल मिलता है इसके अंदर एक, वो भी ऐसी है ठीक ठाक। ये आता है हमारा स्मार्टफोन जो कि पियानो ब्लैक कलर में है, स्पेस पियानो कलर में है, पता नहीं क्या नाम रखे हुए इन्होंने, ये कुछ नहीं है। ये सिम इजेक्ट टूल, वो चार्जर में फंस गया होगा अंदर। ये नॉर्मल चार्जर है 5V 2A का। फ़ोन क्वालकॉम क्विक चार्ज 4 को सपोर्ट करता है, पर शाओमी वाले भी सिंपल चार्जर देते हैं। और ये टाइप सी केबल। तो दोस्तों अब करते हैं फ़ोन को रीबूट। इसको मैं ऑन करता हूँ, इतने रेडमी मोबाइल शाओमी, तो जब तक ये बूट होता है उससे पहले आपको उसके पोर्ट दिखा दूँ। नीचे मिलता है आपको टाइप सी केबल। ये कैमरा भी यार नोकिया कैमरे बकवास है फ़ोन की, इसकी भी अनबॉक्सिंग आने वाली है जल्दी ही। एक सेकंड, फोकस, टैप टू फोकस, नॉट वर्किंग। पीछे मिलता है 40 MP का सोनी IMX586 सेंसर, 5 MP का ईजर कैमरा, फिंगरप्रिंट स्कैनर। ऊपर मिलता है एयर ब्लास्टर, 3.5 mm ऑडियो जैक। नीचे टाइप सी केबल, यहाँ सिम ट्रे जो कि नॉर्मल है हाइब्रिड। तो दोस्तों ये हमारा फ़ोन का फर्स्ट बूट। मैंने ऑलरेडी सेटअप करा हुआ है फ़ोन को प्रॉपर यूज़ करके, उसके बाद इसकी अनबॉक्सिंग बना रहा हूँ। अब रिसेंटली हमने एक वीडियो रिकॉर्ड कराया है जिसमें हमने शाओमी के रेडमी 7 की अनबॉक्सिंग करी है, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उसके भी देखें आप, वो भी काफ़ी अच्छी डील में मिल रहा है। अगर फ़ोन की बात करें तो इसमें हमें, ये मेरा 4+ 64 GB वेरियंट है, इसमें MIUI का एक अपडेट आया था, उसके बाद ये ग्लोबल 10.3.3 पे चला गया है। फोकस 10.3.13 पे आ चुका है। एंड्रॉयड 9 पाई मिल रहा है। अब तो MIUI 11 आने वाला है बहुत ही जल्द इस फ़ोन में, जो कि 16 तारीख को आएगा। हुआवे का आ गया मैसेज हमें। अगर इसकी बात करें तो स्टोरेज की, तो ये हमें मिलती है इसमें अप्रॉक्सीमेशन 54 GB मिलती है। मैंने इसमें काफ़ी ऐप्स वगैरह डाले मुझे इसमें, तो वो कम दिख रही है आपको। कैमरा बड़ा बकवास है नोकिया का। तो इस फ़ोन की मेन हाईलाइट है इसका स्नैपड्रैगन 675 प्रोसेसर और 48 MP का सेंसर, जो कि इंडिया का फर्स्ट फ़ोन था जिसमें 48 MP का सेंसर मिला हुआ है। तो दोस्तों चलो अब हम इसके कैमरा टेस्टिंग दिखाते हैं आपको। यह है एक नॉर्मल मोड, यह है इसका 48 MP मोड, जो कि आपको इस पे समझ आएगा क्योंकि कंटेंट इसमें साफ दिखेगा। एक मिनट दिखाता हूँ दोबारा खींच के आपको मैं। ये नॉर्मल शटर स्पीड अच्छी है, 48 MP की फ़ोटो थोड़ी सी वो होती है, ये देखो लोड रूम टाइम लगाती है। और ये पोर्ट्रेट मोड, स्टूडियो लाइटिंग फीचर मिलते हैं इसमें जो कि इतने अच्छे नहीं लगते मुझे पर्सनली, तो मैं आपको दिखाता हूँ। और इसका एक फ्रंट फ़ोटो खींच के दिखाते हैं आपको। फ्रंट है 38 MP का रियर कैमरा, ये पोर्ट्रेट, ये सिंपल की ये है, अच्छी क्वालिटी फ्रंट की। फ्रंट पोर्ट्रेट इसका ठीक नहीं आया अभी, वैसे फ़ोन की क्लैरिटी अच्छी है। ये इसका 12 MP की फ़ोटो आती है जिसमें देख सकते हैं आपको मी का लोगो इतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा, दिख तो क्लियर रहा है पर इतना ज़्यादा नहीं दिख रहा है, पोर्ट्रेट मोड है सॉरी। ये है इसका 40 MP मोड, ये देखो कि क्या क्लैरिटी आई है। ये नॉर्मल मोड। तो बस दोस्तों फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, और तो कुछ इस है नहीं फ़ोन में दिखाने के लिए। इसकी जो आपको साउंड क्वालिटी चेक कराता हूँ फ़ोन की स्पीकर की, एक सेकेंड। चिकन बिरयानी।
biryani ho ya mutton, Zomato should be your only option. Order now. सही क्वालिटी है। बस दोस्तों फिलहाल में इतना ही। आप बनी रही हमारे साथ, देखते रहिए हमारी वीडियोस। थैंक यू।